नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। हल्द्वानी पहुंचने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य को आड़े हाथों लेते हुए उनको इम्पोर्टेंट माल बताते हुए कहा कि जो भाजपा में आए और वापस चले गए, उनके आने और जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यशपाल आर्य पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर यशपाल आर्य का बीजेपी में दम घुट रहा था तो पहले क्यों नहीं चले गए। 4.5 साल तक मलाई खाई और अब मलाई गले में अटक गई। गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही यशपाल आर्य की नाराजगी सामने आ रही थी। यही कारण है कि हाल ही में उन्होंने बीजेपी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अब हरीश रावत जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक कांग्रेस में जाने वाला नहीं है। ये तो इम्पोर्टेड माल था, आया और चला गया, और उनके आने जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ एक घेराव देखकर, ये देख कर कि साहब मेरा घेराव हो गया, मुझे काले झंडे दिखा दिए, इतने में हवा निकल गई और दूसरा रास्ता चुन लिया। व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, भले आदमी है, लेकिन बेहतर होता वो यहाँ पर रहते, लेकिन उनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर दम घुट रहा था तो इतनी देरी क्यों कर दी? अगर दम घुट रहा था तो पहले चले जाना चाहिए था। 4.5 साल, 4.5 साल आपने पूरी मलाई खाई और अब आपका मलाई गले में अटक गई। तो गणेश जोशी से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।